भाई लियो का ट्रेलर देख के तबीयत तरोताजा हो गई। इतनी ग्राउंडेड स्टोरी को 200-300 करोड़ में बना है तो बवाल कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही। क्वालिटी नजर आता है, तुम इसमें कमी निकाल ही नहीं सकते। उसके हर एक सीन से तुमको अलग मजा देखने को मिलता है। भाई इस ट्रेलर ने ना जाने कितने दिन बाद वो मजा हो गूज़बम्प्स वो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई, वो सब नहीं मिल रहे मेरे को बोलने के लिए। खैर अभी अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए अपन लियो के स्टोरी को और बढ़ते हैं। इसको ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 19 अक्टूबर का आपको थिएटर में देखने को मिल ही जाएगी। और अभी आपको ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलता है ट्रेलर से, जो काफी एक वेल एडिटेड ट्रेलर की निशानी होती है। तो अपने थालापति का नाम मूवी में पारती है, जिसको लियो दास भी बोला जाता है, जो अपने फैमिली के साथ कश्मीर में ही चॉकलेट फैक्ट्री का ओनर है, जो जाने अनजाने में वहाँ के गैंगस्टर के लफड़ों में फंस जाता है, जिनका नाम एंटोनी दास होता है और हैरल्ड दास होता है। यह मूवी में संजू अब एंटोनी दास के रूप में नजर आते हैं और अर्जुन हैरल्ड दास के, जहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि पार्थी तो एक्चुअली में एंटोनी दास का बेटा है। और हमें ट्रेलर से पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो सभी लोगों को ब्लाइंडली शूट कर रहा है, जिनका रोल मैथ्यू थॉमस प्ले कर रहे हैं। अब कोई भी सीरियल किलर ऐसे खुले में आके मारता नहीं है, वो पहले अपना मैसेज देगा, हिंट देगा, अपना सिंबॉलिक क्रिएट करेगा। और ट्रेलर से हमें यही पता चलता है कि एक जवान में एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है जो उस सीरियल किलर से भिड़ जाता है, जहां उसी फायरिंग के दौरान उस बहादुर पुलिस ऑफिसर की गोली खत्म हो जाती है, तब वो रिलोड करने लगता है अपना गन नहीं वो फायरिंग वाला गन। बड़े हरामी हो भाई तुम लोग। तभी वो सीरियल किलर उन पर शूट कर देता है। और उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है अपने थालापति विजय पे, जहां उनके पास ही वही सेम गन है और आखिर में ऐसा होगा कि वो सीरियल किलर को मार देते होंगे। लेकिन फिर एंटोनी दास को रियलाइज होता है पार्थी से रिलेटेड, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, समझे ना। जहां वो पार्थी को हंट करने लगता है, लेकिन पार्थी उसे लड़ता नहीं है, लेकिन अपने लियो वाले फॉर्म में जरूर आ जाता है, जहां वो चीखता है, चिल्लाता है और गुस्से से उसकी आंख ही लाल हो जाती है, जहां वो डर, वो एक्शन, वो बैड सब कुछ अपन फील कर पा रहे थे स्क्रीन के थ्रू। जहां वो अपने फैमिली के लिए जग चुका है, उसको एक डर है अंदर से कि उसकी फैमिली को कुछ होना जाए। एंड भाई यहाँ से ट्रेलर की इंटेंसिटी कम होने की जगह पे और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जहाँ हमें वो कट टू कट सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे विजय चिल्ला रहे होते हैं, भाई मजा आ जाता है। और हमें वो लियो का इमोशनल एंगल भी नजर आता है, अगर उसकी फैमिली को कुछ हो जाए तो बंदा टूट जाएगा अंदर से। एंड भाई इस ट्रेलर के आगे का वो एपिक सीन, कार चेंजिंग सीन वाला, भाई क्या सीन था, जिसको हल्की में बिल्कुल मत लेना, थिएटर में इसके ऊपर सीटियां बजने वाली है। क्या प्यारा VFX शॉट दिया हुआ था पूरे सीन में, एंड ऊपर से क्या बड़ा स्केल था इसका, ये तो वो भी बोला करती थी, जहाँ कार चेजिंग हो रहे होते, गन फायरिंग हो रहे होते, बिलबोर्ड्स गिर रहे होते हैं, एंड ऊपर से अनिरुद्ध का वो BGM, भाई साहब मजा आ जाता है। छोटे जगह में एपिकनेस दिखाने का ट्राई किए हैं भाई, पूरा पैसा वसूल है। भाई मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर था लियो से कि वो अपने को इतना बढ़िया चीज दिखाएंगे, जब हम कार चेजिंग वाला सीन और वो हाइना वाला सीन, ओहो हो, अगर भाई लोग ये सब शॉट में पागल नहीं हो रहे तो ना जाने वो क्या चीज चाहिए उनको पागल करने के लिए। एंड ऊपर से अपने विजय थालापति को वो मैडनेस, वो ग्रेटनेस ब्लडी एक्शन के साथ देखने को मिलता है, एंड उससे भी ऊपर ये ग्राउंडनेस वाली स्टोरी भाई हर चीज को लेवल अप कर देती है। एंड आई एम ग्लैड कि लोकेश कनगराज ने एक प्यारा सा कंटेंट अपने को आज ही दे दिया, मजा आ गया देख करके। भाई मैं अब और भी ज्यादा फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो चुका इस LCU यूनिवर्स को लेकर के। भाई जब अभी ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं, जब आने वाले टाइम में क्या दिखाएंगे, जब Rolex 2, Vikram 2, Cassie 2 अपने को देखने को मिलेगा। तुम अपने थॉट्स कमेंट से बताओ कि तुम क्या सोचते हो इन सारे चीजों के ऊपर, और तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस LCU यूनिवर्स को लेकर के। एंड मैंने LCU के आने वाले मूवीज और LCU को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो आप इस वीडियो में चेक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।